जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब मेरी यूनिफॉर्म को देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं एक पुलिस कर्मचारी हूं, यानी कि थानों का पुलिस हूं। लेकिन आप सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि आप सब नहीं जानते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे हम सब की वर्दी तो एक जैसी होती है, जैसे कारागार यानी कि जेल की पुलिस और पुलिस PSC और थानों की पुलिस जिसे हम सिविल पुलिस कहते हैं, लेकिन इनकी वर्दी तो एक जैसी होती है, लेकिन इनकी ड्यूटी कितने घंटे होती है, इनका रहन सहन कैसा होता है, इनके आला अधिकारी कौन कौन से होते हैं और इनका जो है इनमें क्या फैसिलिटीज़ क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, ये सब बिल्कुल भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। सबसे पहले मैं आपको जेल कारागार पुलिस और सिविल पुलिस और थानों की पुलिस को पहचानने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, जो बहुत ही कारगर तरीका है, इसी से आप पहचान सकते हैं। इनकी टोपी और वर्दी एक जैसी होती है, लेकिन दोस्तों बैच जो होता है बिल्कुल अलग होता है। जैसे ये देखिए, ये बैच है, आप इसमें देख सकते हैं PAC लिखा हुआ है। ऐसे जो कंधों पर ये जो बैच लगा होता है दोनों कंधों पर, इसमें क्या होता है कि जो जेल की पुलिस होती है वहाँ पर कारागार पुलिस लिखा होता है, यानी कि का और कारागार लिखा होता है। और यहाँ पर जो है पुलिस PSC है, इसमें क्या लिखा होता है PAC। और जो सिविल पुलिस है उसमें लिखा रहता है उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि ऊपरा और ऊ, ये उसमें लिखा होता है। तो इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट के पुलिस कर्मचारी हैं। अब देखिए, आइए हम ये जानते हैं कि अब थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूँ। और मैं दोस्तों, मेरा नाम आरक्षी मोहम्मद गुफरान है और दोस्तों मैं PSC का कर्मचारी हूँ। देखिए, PSC जो है, यानी कि PSC का पुलिस हूँ। ये देखिए PSC क्या होता है, UP PSC यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म्ड कांस्टेबुलरी, इसका फुल फॉर्म होता है PAC, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी, जिसको प्रादेशिक सशस्त्र बल भी हम कहते हैं। इसी PSC को हम क्या कहते हैं कि मिनी आर्मी के नाम से जाने जाते हैं, मिनी आर्मी के नाम से PSC जानी जाती है। अब देखिए क्या होता है कि अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि जो PSC होती है, जब कहीं दंगा होता है PSC आती है अपने पूरे साजो सामान के साथ और बॉडी लाठी चार्ज करती है और चली जाती है। लेकिन दोस्तों, आप सब ने जाना होगा या जानते होंगे बहुत लोग कि जो PSC होती है, जब कोई कहीं पर दंगा हो जाता है या फिर कोई बड़ा मेला जैसे कुंभ का मेला, अयोध्या का मेला, कहीं भी, या फिर कोई VVIP जैसे कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल आ रहा है, तो उनके स्वागत में इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं। तो ये हो गया, आपको इन शॉर्ट बता दिया। और आगे चूँकि मैं आपको PSC का एक कर्मचारी हूँ, तो इसके तौर पर मैं PSC के बारे में डिटेल से और कारागार पुलिस और सिविल पुलिस के बारे में मैं डिटेल से बताता चलूँगा। देखिए, एक वीडियो में ये संभव नहीं है, इसलिए मैं वीडियो आपको निरंतर देता रहूँगा इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, इनके चयन के बारे में थोड़ा सा समझ लेता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो शुरू शुरू में क्या होता है दोस्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ कि 2018 में जब मैं तैयारी कर रहा था, जिसमें भर्ती आई और मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद मैं एग्ज़ामिनेशन दे दिया, तो क्या था कि मैं ये जानता था कि मैं पुलिस में, मैंने फॉर्म निकला है, भर दिया, दौड़ की परीक्षा निकाल दिया और मैं थानों का पुलिस बन जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एक इसी में PSC होती है, जिसकी लगभग 30-40% वैकेंसी उसमें होती है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की, यानी कि एक अलग होता है उनकी वैकेंसी, यानी थानों की पुलिस, जिसको सिविल पुलिस कहते हैं, तो ये अलग होता है। तो मुझे नहीं मालूम था और डायरेक्ट हमने भर दिया फॉर्म और हो गया। जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि इनमें और उनका रहन सहन और इनका जो है ड्यूटी टाइम, ड्यूटी यानी ड्यूटी कितने समय कितने घंटे होती है, ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंस है। तो इन्हीं के बारे में, तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए, इसलिए कि जब कोई काम आप करते हैं तो उसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है, अगर अच्छी तरीके से नहीं मालूम है, तो आप जब शुरू शुरू में उसमें जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत महसूस होगी।
इसलिए अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते, हो सकता है कि आपकी रुचि पीएससी में ना हो, लेकिन अब आपने फॉर्म जब फिलअप किया और आपने उसमें क्या होता है कि उसमें प्रेफरेंस दे दिया कि मुझे पीएससी, और आप जानते नहीं जब फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरने वाला पीएससी फिलअप कर दिया, तो आपका क्या होगा कि ज़्यादा नंबर पाने के बावजूद भी पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे यार मैं तो थानों में जाना चाहता था, तो चूँकि वो हो नहीं पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको जानकारी के तौर पर होना चाहिए। अब आपने जान लिया कि जो पीएससी होता है दोस्तों, इनका मूवमेंट अक्सर होता रहता है, ये एक रिजर्व पुलिस के तौर पर मानी जाती है, इसीलिए इनको मिनी आर्मी कहा जाता है। ये कहीं एक जगह नहीं रहते हैं, जिस तरीके से आर्मी खेमे लगाकर वहाँ पर सरहद की सुरक्षा करती है, ठीक उसी तरीके से जो हर राज्य में होती है पुलिस पीएससी, ये भी इन रिज़र्व है। कहीं पर भी दंगा हो गया या कहीं पर कोई बड़ा आयोजन होना है तो वहाँ पर पीएससी को पहुँचा दिया जाता है। हाल ही की बात करें तो जैसे अभी यहाँ पर जंतर मंतर पर जो पहलवान धरना दे रहे थे, तो वहाँ पर भी पीएससी और अन्य जो फोर्सेस होती हैं वो भी आती हैं, लेकिन पीएससी का एक अहम रोल होता है। शुरू शुरू में जब इसकी 1948 में गठन उत्तर प्रदेश पुलिस की मध्यस्थता के कारण हुआ था, तो उसमें क्या होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो थानों की पुलिस होती थी वो 5 से 10 किलोमीटर तक अपना कवर रेंज अपराधियों को पकड़ लेती थी। लेकिन आप जानते हैं कि आज के 50 साल पहले जब इसका गठन हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में या अन्य जो राज्य हैं उनमें क्या होता था कि बस्ती बहुत कम थी और सड़कें कच्ची रहती थी और जंगल रहते थे, तो उसमें क्या होते थे कि जो डकैत बदमाश रहते थे और लोगों को लूट लिया करते थे और उसी में अपना पनाह बनाए रहते थे। तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनसे निपटने के लिए इन सब चीज़ों यानी कि पुलिस पीएससी का निर्माण किया गया था। तो आज इनका क्या काम है मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।